तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है वही अच्छी लिखी है, बोला है चलते रहो अपने पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। वन टू थ्री फोर, क्या कर रहे हो गए थे यार? तो ये रूम हमने लिया था 300 पर बेड के हिसाब से, लेकिन 5 लोग सोए थे, सो सकते हैं इसमें आंटी के हिसाब से 11 मतलब ना। तो आप वो देखते हैं, वो सामने है मंदिर। तो हम रुके थे श्री मधमेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट, इनका मतलब गोंडार में भी है मधमेश्वर में दोनों ओर। पहला होटल जो पड़ेगा इस ट्रैक में जैसे आप आओगे पहला पड़ेगा, इनका नाम है भारत पनवार और मेल आईडी ये है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो ये हैं आंटी जिन्होंने हमको रात भर खाना खिलाया और बहुत खुशी खुशी खिलाया, तो आप इनको मतलब सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा आंटी को। नंबर और मैंने होटल का नाम आपको दिखा दिया है क्या है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है आंटी। तो ऊपर फैसिलिटी जैसी है, मतलब यहाँ मोबाइल भी चार्ज हो सकता है, खाना आपको मिलेगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, तो मधमेश्वर ट्रैक करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। सो पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग आए थे ऋषिकेश से लेकर आपका रांची, रांची से फिर हम लोग आए थे मधमेश्वर, मधमेश्वर से फिर मैंने आपको उनका टेम्पल दिखाया और बूढ़ा मधमेश्वर दिखाया था। तो आज हमारा है यहाँ से चेकआउट होटल से, आंटी को मैंने आपको दिखा दी अभी, तो आप आंटी के यहाँ जो आना पीछे अभी भी दोबारा देख लीजिए होटल का नाम और क्या है नंबर वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल सुबह हम लोग को मतलब बहुत हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको चौखंबा पीक वगैरह सब कुछ दिखी, अब आ गया है वापस फॉग और बादल फिर से उड़ने लग गए हैं, तो ऐसा नज़ारा है अभी। तो हमारा ये टारगेट है कि अभी हम लोग को पहुँचना है मतलब नीचे, और आज हम रांची नहीं रुकेंगे, हो सकता है जितने आगे हम लोग गाड़ी चला सकें उतने आगे तक हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं आज मधमेश्वर देख के जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक का रास्ता, ठीक है आंटी? यहाँ देखो, बाय बाय, ठीक है, जय श्री शंकर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आएंगे जो भी आएंगे वो आपको हमारी याद दिलाएंगे, ठीक है। मैं ऊपर को भी चलने में कच्चा हूँ, नीचे को उतरने में भी, पिंकू ऊपर को चलने तेज था, नीचे को उतरने में इसके भी पाँव में दर्द हो जाता है, तो नीचे उतरना और ज़्यादा टपटास्क होता है पहाड़ों में, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट आपके घुटनों पर आना है और आपकी थाइज और घुटनों की वाट लगनी है। तो ऐसा कोई नज़ारा है, जितनी ज़्यादा चलाई थी उतना ज़्यादा डाउन भी है, तो इसमें पाँव अपने आप चलते हैं चलने के, लेकिन फिसले ना, इसलिए चक्कर में पाँव थोड़ा जोर से रखना पड़ता है और सारा वजन घुटनों पर, इस वजह से हम लोग को करना पड़ रहा है थोड़ा स्ट्रगल। क्या करना पड़ रहा है, अब पहाड़ में चढ़े तो उतर तो जा ही जाएंगे आराम से, लेकिन वैली का नज़ारा देखते देखते जा रहे हैं तो बड़ा मस्त है। देखो सामने सुबह तक एक भी बादल नहीं था और अभी इतने बादल हो गए हद से ज़्यादा। अभी ये मैखम्बा 1 किलोमीटर है यहाँ से, और जो हमको जाना है वो करीब अभी 7 4 11 11 किलोमीटर अभी हमको और डिस्टेंस ट्रैवल करनी है बाई फुट। तो पहाड़ों के ट्रैक में क्या होता है ना, बारिश नहीं हो रही है, अम्ब्रेला की हमेशा ज़रूरत है आपको। अम्ब्रेला एक ऐसा इक्विपमेंट है, अभी आप देख रहे हो ना पूरे ट्रैक में धूप ही धूप है, ये आप ये ट्रेल देख लो कहीं आपको मतलब पेड़ नज़र नहीं आएंगे, छाया नहीं आएगी। तो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी छाया थोड़ा जंगल ऐसे ट्रैक होते हैं, तो इसमें टैनिंग हो जाती है और टैनिंग इतनी खतरनाक होती है ना, आपका पूरी बॉडी ब्लैक हो जाएगी और उसे निकलने में भी 1 महीना लगेगा। वो वैसे तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आदमी धूप में जगह काला हो गया, लेकिन जो जलन होगी आपके कान में, आपकी गर्दन के पीछे और आपके चेहरे पे, वो तो 1 हफ्ते तक मतलब जलन का असर बहुत बुरा रहता है। तो इसलिए छाता जरूर लेके आए, इस छाते से क्या होगा, एक तो आप बाइक से बच जाओगे और दूसरा रेनकोट पहनने में क्या होता है, रेनकोट ऐसे इंसान पहनता है बॉडी अंदर हीट कर रही होती है तो बॉडी को एयर नहीं मिल पाती तो अंदर के से सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो हमेशा एक छोटा सा छाता जो ट्रिपल फोल्ड हो, उसका साइज भी बड़ा होता है, तो ऐसा छाता आप रख लीजिए ताकि आप धूप से भी बच सकें और बारिश से भी। तो ये थोड़ा सा ज्ञान था, क्योंकि अपना है हिसाब किताब ऐसा ही, तो मैं छाता रखता हूँ, रेनकोट भी रहता है मेरे पास, कभी ज़्यादा बारिश होगी तो रेनकोट के साथ छाता, दो दो चीज़ें एक साथ जाती हैं, या तूफान ज़्यादा है
और हवा बहुत तेज़ चल रही है तो छाता वहाँ पे ख़राब होता है, टूट सकता है। तो ऐसे जगह पे आपको फिर रेनकोट ही बचाएगा। तो दोनों चीज़ें रखनी है, एक पोंचो और एक अम्ब्रेला। छोटे छोटे मकान है जहाँ पर लोग खेती भी करते हैं अपनी ज़मीन पर। तो यह है मडुआ, जिसे रागी भी बोला जाता है, रागी का आटा बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ मडुआ बोलते हैं, गढ़वाल में शायद रागी बोलते हैं। तो ये ब्लैक कलर का आटा था, जो आपका शुगर हो गया, बीपी हो गया, इन जो पेशेंट है उसके उसमें मतलब काफ़ी कारगर है। तो देखो अचानक से ये भाई साहब, हे इधर देख ऊपर, ये शैडो भी अभी बहुत पीछे था, इसने मेरे को पकड़ लिया है। मतलब अभी तक ये मुझसे तेज़ चला था, अभी कहीं बैठा था आराम करने के लिए, तो उसके बाद अचानक से आ गया है आगे। बात देखी जाए तो ये होती है मेहनत। देखो हम लोग का अपना चलना मुश्किल आता है, अपना वजन उठाना, ये भाई इतनी खतरनाक चढ़ाई है, उसमें लेके जा रहा है इतनी बड़ी टीन, तो रास्ता देना पड़ेगा इसको हमको। 14 में से हमने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, बस कुछ मिनट बाद 8 किलोमीटर हमारे पूरे हो जाएंगे, जो हमको करने में लग गए पूरे 2.5 घंटे, इतनी दूरी हमको कवर करने में। नीचे को आने में भी मतलब जबकि मैं कंटिन्यूस चल रहा हूँ, अंगूठों में दर्द होने लग गया, कहीं अंगूठा पानी में डुबाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, कल जब इस रास्ते जा रहा था तब मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था नीचे को देख के, लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे मतलब हालत खराब। आज लेकिन छाता का सहारा बहुत तगड़ा है, आज धूप बहुत तगड़ी है, अगर छाता ना उड़ू ना पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जा रही है, जबकि नीचे आते तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन छाता उड़ने के बाद भी पानी की ज़रूरत पड़ रही है। सोचो कि जो लोग छाता नहीं उड़ के आ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। तो हम लोग रुके थे बंतोली में, इधर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम स्टे हैं ऐसे बने हुए। तो हम लोग रुके थे यहाँ पे लंच करने के लिए, तो हमने लंच कर लिया, तो लंच करके आज हम लोग निकल रहे हैं वापस। कल भूरी आधे रास्ते तक आई थी, अभी आधे रास्ते बाद वापस मिल गई है, ये मतलब पूरा ट्रैक करके नहीं आई, इन्होंने झोलझाल कर दिया। तो हम जा रहे हैं नीचे की ओर को, और यहाँ भिंडी लगी है, देखिए ये है आपका बीन्स, लौकी, ये लौकी देखिए, पूरे लौकी की बेल्स हैं यहाँ पे ऐसे। ये है आपका उसका पेड़, आलू का, इतना बड़ा पेड़ है। तो यहाँ मतलब गांव में दूध दूध की कोई कमी नहीं है, लोगों ने गाय पाल रखी है तो दूध बहुत सारा है, तो ये लोग बाजार से दूध नहीं खरीदते हैं। ये पूरी राजमा है, वाइट चितकबरी कलर की सारी राजमा यहाँ पर है। तो कुछ दिन पहले यहीं पर बादल फटा था, तो बादल फटा था तो वो इस साइड कहीं फटा बादल ऊपर टॉप में मधुमेश्वर घाटी में, ये पूरी मधुमेश्वर वैली है। तो यहाँ पर आप नदी देख रहे हैं ना, इसका भाव कितना तेज़ है अभी। तो ये वाला जो फुलता लोहे वाला, ये डायरेक्ट यहाँ से लेके वहाँ तक पुल था, तो ये पुल ही पूरा चला गया, वो देखिए आप उधर पे। फिर अभी फिर उन्होंने नया रास्ता बनाया यहाँ से, ऐसे करके नया पुल बनाया हुआ है, तो इस पुल के रास्ते हम लोग जाएंगे। तो ना ऐसी कंडीशन है, तो ये तुरंत एक हफ्ते के अंदर बनाया गया है ये पुल, ये सामने वाला पुल, लकड़ी वाला।
वाली धार है वो 5 किलोमीटर है, वहीं से हमको गाड़ी मिलेगी रांची के लिए। ऐसा नज़ारा दीजिए, देखिए घाटी का कितना खूबसूरत है व्यू। दो नदियों का संगम हो रहा है बनतोली में। और वो ऊपर देखिए वो वाले पहाड़ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश पहाड़ की दूर से दिख जाती है, पूरी सफ़ेद रंग की एक धार टाइप की नीचे आती है। तो वो गलुआ डांगर उस जगह का नाम ऐसा कुछ है, मैं उसी नाम पर सदा कन्फ्यूज हूँ रस्ते पे। तो वो वाला गांव अभी आने वाला है। वक्त जो बड़ा वाला झरना दिखाया था पीछे छूट गया, मेरे दिमाग से हट गया, क्योंकि अब चढ़ाई है ये 2 किलोमीटर की, और ऊपर गाड़ी वाला हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे फ़ोन कर दिया कि हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, अभी 2 किलोमीटर आधे घंटे में कवर आते हैं, ठीक है, वरना उसको और इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई हम भाई अमित भाई की दुकान में रुके हुए हैं, जहाँ हमने बुरास का जूस पिया। अनुराग में तो काफ़ी थक गए थे, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना नीचे से ऊपर तक चलना बहुत टपटास था और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक ककड़ी मुझे ऊपर कहीं गांव में किसी ने दी थी, तो वो ककड़ी मैं कटवाई भाई से, वो पहाड़ी ककड़ी है जो भाई के पास है, वो है देसी वाला खीरा। तो ककड़ी अभी हम लोग दोनों खाते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। 2 किलोमीटर दूरी और बची हुई है तय करना है ऊपर तक, यहीं पाँव जवाब दे चुके हैं अभी तक, बड़ी बुरी हालत है। चलो यात्रा तो पूरी करनी है, ऊपर जाके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे आज हम। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है वही अच्छी लिखी है, बोला है चलते रहो अपने पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। तो मंजिल भी मिल जाएगी, हम चलना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का परमानंद है। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं इस पूरे जंगल को एक्सप्लोर करते हुए। खीरा खा लिया और रास्ता जूस पी लिया, दो चीज़ें हो गई हैं कन्फर्म। आज मैं ऊपर गिर गया था, मन में से बुरा मजे से नीचे आ सकता, गोपुर में पूरी मिट्टी लगी हुई है, इसे भी अभी होटल में जाके साफ करना है। हमारा पूरा हो गया है रास्ता, हम लोग ऊपर उस सड़क पे आ गए जो आने वाले टाइम पे गोंडार गांव तक या बनतोली गांव तक जाएगी। एक रोड बन रही है ये, अभी इसमें भी लैंडस्लाइड चल रहा है, वरना रास्ता बहुत आगे तक होता, तो इसमें पूरा पत्थर नीचे आया है। तो हम लोग अगोली धार बहुत पहले पहुँच गए थे, उस वाले मोड़ के बाद अगोली धार है कहीं पर। तो अभी यहाँ से हम लोग को भी 100 मीटर और चलना है, 100 मीटर चलने के बाद हमको गाड़ी मिल जाएगी रांची के लिए। फिर देखते हैं हम रांची रुकेंगे कि उससे आगे जाएंगे। अभी भाई लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वो आगे निकल गए, सबकी थकान के हिसाब से डिसीजन होगा। 5 लोग हैं, 5 लोग में जो मतलब बहुमत जहाँ मिलेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये नीचे देखिए, पहले वो रास्ता वो ऐसे आता था यूँ, तो यहाँ जब रोड बनी तो यहाँ के पत्थर नीचे गए, तो रास्ता ही गायब हो गया पूरा, वरना हम उस रास्ते डायरेक्ट पहुँच जाते। इतनी चढ़ाई हमको चढ़नी पड़ती, क्योंकि उस रास्ते पे जो सीढ़ियाँ थी लास्ट में बनी हुई करीब 200-300 सीढ़ियाँ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पीक था वहाँ पर। लास्ट हम लोग पहुँच गए जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। सही में अगर दिखाऊँ, अगर 32,042 कदम अभी तक मैं चला हूँ, यानी कि आप इसको समझ लो करिए आपका 16 किलोमीटर करिए, क्योंकि यहाँ स्टेप आधे होते हैं। तो लिटरली मतलब लास्ट में एट लास्ट क्या हुआ कि हालत तो ख़राब हुई, लेकिन खूबसूरत अगर रास्तों पे और महादेव की भक्ति करनी है तो कष्ट तो सहना पड़ेगा उसके लिए आपको, वरना बगैर कष्ट सही कुछ नहीं होता। तो हम रुके थे जिस दिन आए थे, तो हमारी गाड़ी यहीं खड़ी थी। तो ये भटजी हैं, इनके यहाँ पर कोमल गेस्ट हाउस है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आपका ऊखी मठ की ओर को, अभी बजे हैं शाम के करीब 5:15, तो वहाँ पर टाइम है 1 घंटे का, 1 घंटे हम पहुँच जाएंगे।